हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये मॉर्निंग का ही टाइम है। और क्या हुआ था कि आज बाबू मेरा स्कूल नहीं गया था, आज अभी कल ही उसका टेस्ट ख़त्म हुआ, तो बोला मम्मी आज नहीं जाऊँगा, तो फिर आज वो नहीं गए हैं। और मैं चाय पी चुकी हूँ, ये पतिदेव के लिए चाय गर्म कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव पूजा वगैरह करके आकर बैठ गए हैं, तो उनके लिए चाय देने जा रही हूँ गर्म करके, क्योंकि जस्ट अभी बनाई थी, थोड़ी देर हुआ था। तो अब जानते हैं आप लोग कि अब आदमियों का क्या काम होता है कि गर्मा गर्म चाय चाहिए, अगर थोड़ी सी भी ठंडी हो गई तो बर्दाश्त नहीं है, फिर तो बरस ही जाना है एकदम से। तो वही कंडीशन हमारी भी है, गर्म थी लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा और इसको गर्मा देती हूँ अच्छे से, यानी कि खौल जाए, तो वही मैं कर रही थी। और यहाँ पर मैंने रखा है बैंगन, जो कि मैं आज बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी, रसेदार बनाऊंगी, सूखी नहीं बनाऊंगी। बट मैं एक बात बताऊं, मुझे जो है सूखी सब्जी पसंद है, और मेरे पतिदेव को क्या है रसेदार सब्जी पसंद है, तो पतिदेव को भी और बाबू को भी बैंगन की रसेदार सब्जी पसंद है, लेकिन मुझे जो है सूखी सब्जी अच्छी लगती है। सूखी सब्जी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, रसेदार थोड़ी कम पसंद आती है, लेकिन अब दोनों को जब पसंद है तो फिर मुझे भी उनके साथ में वैसा ही करना पड़ता है। तो पता है गाइस, आज मैं इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई, कुछ पूछे ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक तो इस जिस ऐप से मैं अपनी वीडियो को मतलब एडिटिंग करती हूँ, इस ऐप ने आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ट्रांसकोड करके आज मेरा पूरा समझ लीजिए दिन ही ख़राब कर दिया। तो इसी के चक्कर में मैंने फिर दूसरा ऐप डाउनलोड किया, उसमें भी वीडियो एडिटिंग करी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एडिटिंग तो कर ली, लेकिन अब उसमें MB इतनी खा रहा है, यानी कि जहाँ इसमें 200-300 MB जाती, वहाँ उसमें 700-800 MB जा रही। फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट मार दिया, क्योंकि MB बहुत ज़्यादा जा रही थी, वीडियो इतनी MB लेगी तो आगे क्या बहुत सारे काम होते हैं डाटा के। तो यहाँ पर तो फिलहाल मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी छोंक दी है, जैसे कि मैं कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू हमारे मसाले होते हैं, और वही सरसों का तेल, यानी कड़वा तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सरसों का तेल हो गया, और उसमें मेथी, जीरा, हींग का तड़का लगाया, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाल दी, और फिर टमाटर डाल दिया। और जब ये सारी चीज़ें भुन गई तो हींग डाल दिया, उसके ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्च डाल दी, आलू डाले, बैंगन डाले, और बैंगन डालने के बाद मसालों को भून दिया, पानी डाला, नहीं नमक डाला, और पानी बिल्कुल ज़रा सी डाला, बहुत ज़रा सी पानी डाला। और मैं सच बता रही हूँ, इतनी बढ़िया वो ये सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, लेकिन लास्ट में आप इसमें हल्का सा अमचूर पाउडर और जो है गरम मसाला लगा दें और अमचूर पाउडर लगा दें, तो वाकई इसका टेस्ट ही इतना लाजवाब आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो सब्ज़ी आज की मैंने मतलब मेरी बनी थी, बहुत मस्त सब्ज़ी बनी हुई थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी, क्योंकि मैंने तो थोड़ी खाई थी, उसके बाद तो फिर हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, तो भाई सब्जी रोटी खाकर पानी पीकर लेटी रही, बस इसी वीडियो की एडिटिंग के चक्कर में मेरा पूरा दिन निकल गया, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो पाया। खैर ये तो रही एडिटिंग की बात, अब यहाँ फटाफट मैं रोटी तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि पतिदेव को, और यहाँ पर बाबू मेरा भर रहा था फॉर्म, ये देखिए उसकी ये आदत बहुत गंदी है कि जहाँ जो काम करेगा वो वहीं छोड़कर चल देते, चाहे बुक हो, चाहे कॉपी हो, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो। ये गाइस बाहर से आवाज़ आ रही है, इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसको अभी मैं यहीं रखे दे रही हूँ, आज वो स्कूल नहीं गए क्योंकि कल उनका टेस्ट ख़त्म हुआ है, तो आज बोलने थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, तो आज नहीं गए हैं। और यहाँ सेटअप बॉक्स के ऊपर, सेटअप बॉक्स के नीचे जो मैं बिछाती हूँ, इसको कल मैंने धोया था इसको, तो चलिए इसको मैं बिछा देती। और ये देखिए कितने ढेर सारे कपड़े, हुआ क्या कि कल शाम को इतनी तेज मतलब बारिश, बादल हुआ था कि ऐसा लग रहा था मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होगा, तो मैं वेट करती रही, कपड़े हमारे सारे ऊपर पड़े थे, तो मैं वेट करती रही कि अब बारिश हो जाए, बारिश हो तो फिर कपड़े मैं लेकर जाऊँ, मतलब ये ऐसा सोच रही, इतनी तो हवा चल रही थी, कपड़े हल्के से गीले थे, तो मैं ये सोच रही थी सूख जाए, तो मतलब आधे घंटे मैं छत पर भी टहली, हवा चल रही थी बढ़िया, अच्छी लग रही थी, फिर इसके बाद मैं नीचे आकर बैठी रही, यानी कि मुझे लगा बारिश नहीं होगी, तो मैं आकर लेट गई, और जैसे ही मैं लेटी और इतनी तेज बारिश हुई कि लाते लाते मैं पूरा भीग गई, कपड़े तो जो भीगे थे सो भीग गई थे, साथ में मैं भी भीग गई।
उसके बाद फटाफट मैंने कपड़े उतारे और यहाँ लाकर मैं डाली हूँ, तो फिर तब से लेकर मैं कपड़े लेकर भी नहीं गई ना डाली गई, यही हवा में सारे सूखे। और इसको तो मैंने, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, इसको मैंने वाश किया था, तो अब इसको मैं ऊपर डाल देती। इसको मैंने अपने हाथ से बनाया ही था, इसको मैंने अपने हाथ से बनाया था, वो भी एक बुक में था तो उसको देखकर मैंने बनाया था। और ये मैंने बिछा दिया, क्या करूं यार, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और ये देखिए कितने ढेर सारे कपड़े, सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सारे कपड़े मैंने लाद दिए थे। अभी मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, यानी कि अभी तो घर के पूरे सारे काम ही पड़े हैं। तो चलती हूँ, अभी सबसे पहले काम निपटाती हूँ। बाबूजी गए स्कूल में फॉर्म जमा करने, आज स्कूल नहीं गए जैसा कि आप लोगों से बताया, और कुछ उन्होंने अभी खाया पिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाया। मैं बोल रही थी कि सब्जी रोटी खा लो, सब्जी रोटी मैंने बना के रखी है, बोला अभी नहीं खाना है, वो ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन भी पड़े हुए थे, किचन तो मैंने साफ़ ही नहीं किया हुआ था, तो किचन भी साफ़ करना था, और बाहर वाला रूम तो साफ़ कराई हूँ, झाड़ू लगा आई हूँ। और यहाँ पर अब फटाफट से बर्तन धो लूँगी, क्योंकि आज तो आटे वाला डिब्बा भी मैंने धोया है और चावल जिसमें रखती हूँ वो डिब्बा भी मैंने धोया है। तो अक्सर करके मैं यही करती हूँ कि जैसे जो भी राशन हमारा ख़त्म होता है तो वैसे ही डिब्बे में मैं राशन नहीं भरती हूँ उसको, फिर जब तक मैं धो नहीं लेती तब तक नहीं भरती। तो जैसे हमारा चावल ख़त्म हो गया तो उस बड़े डिब्बे को भी मैंने धो लिया, और आटे के डिब्बे को धोकर ऊपर धूप में सुखाकर फिर से भर लूँगी। ये हमारी आज की नई आदत नहीं है, ये हमारी मतलब शुरू से ही ये आदत रही है। मतलब जब मैं अपनी माँ के घर में थी मैं तो भी काम करती थी, माँ मेरी काम बहुत कम करती थी, तो सारा काम मेरे को ही करना पड़ता था, तो वही आदत मेरी आज भी है। अब आप लोग तो समझदार हो, समझ सकते हो कि अगर छोटे बच्चे से काम कराओ तो फिर पढ़ने में उनका दिल नहीं लगेगा। वैसे मैं पढ़ने में भी तेज़ थी, लेकिन जब काम करके थक जाती थी तो बिल्कुल मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। यहाँ तक कि समझ लीजिए 7th या 8th में थी तब से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जैसे खाना बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारा काम मुझसे ही मेरी माँ करवाती थी। और पहले के लोगों के दिमाग कुछ और होता था, तो इसी वजह से फिर मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई, तो यही रीज़न था हमारी पढ़ाई का। अगर पढ़ी होती और ज़्यादा तो पता नहीं शायद कुछ होता, लेकिन नहीं पढ़ पाई यही काम धंधे के चक्कर में, क्योंकि सारा काम करवाती थी मम्मी के, केवल माता जी मेरी जो थी दाल चावल बिन देती थी, और जैसे कि सब्जियां वगैरह रहता था ये काट देती थी। तो सारे काम करके पहले खाना बनाकर पहले आप स्कूल जाओ, स्कूल से आओ फिर आप शाम का भी काम करो, कभी कदार मन होता था तो कर लेती थी, वरना सारा काम हमारा ऐसे ही रहता था, सारा काम मेरे को ही करना पड़ता था। तो ये चलिए बात करते करते तो मेरा कमरे में तो पोछा लग ही गया, जीना बाकी था तो उसमें भी पोछा लगा लिया, और ये चीज़ें रह गई तो यहाँ पर भी मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी, और इसके बाद 2-4 कपड़े हैं कपड़े धोऊँगी, फिर इसके बाद हमारा नहाना धोना होगा बस। ये लेटा है मेरा बाबू और मैं नहा धोकर अभी आई हूँ, आधा घंटा हो गया है, और सब्जी रोटी खाकर मैंने पानी पी लिया है, और अभी बनाना है मुझे चाय, बब्बा तो अभी बनाना है मुझे चावल।
क्योंकि चावल मैंने बनाया नहीं था मम्मी, मैं तो चावल अभी बनाना है। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट बिल्कुल भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहा। पहले तो कुछ आता भी था लेकिन अब तो इस समय कुछ भी नहीं आ रहा है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कुछ आप लोग मुझसे कहना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू कह सकते हैं। और अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक बात और, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।